इस फिल्म की एक खासियत है कि सूरज बजाते ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है एंड राजश्री प्रोडक्शन की मैं हीरोइन बन पाई हूँ. मैं राज बाबू जी एंड सूरज जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी एंड ऑल्सो थैंक गॉड दैट आई हैव गॉट दिस अपॉर्चुनिटी एट सच एन अर्ली स्टेज इन माई करियर. तो इस फिल्म में संजना कैसी लड़की? संजना जो है एक स्मॉल टाउन की लड़की है, एट द सेम टाइम आज की लड़की है, इस जनरेशन को बिलोंग करती है. शी इज़ सिंपल इनोसेंट बट एट द सेम टाइम सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट. और इस कैरेक्टर का जो आई फील द स्पेशलिटी ऑफ इट इज़ के शी इज़ मॉडर्न, शी नोज़ वॉट शी वॉन्ट्स, पर एट द सेम टाइम शी हैज़न्ट फॉरगॉटन हर ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, हर मॉरल्स एंड वैल्यूज टुवर्ड्स हर पेरेंट्स. एंड शी कुड बी ऐसे कोई आम लड़की हो सकती है, शी इज़ जस्ट अ नॉर्मल गर्ल, शी इज़ नॉट एक्स्ट्रा ग्लैमरस और एनीथिंग, वेरी वेरी सिंपल. तो क्या आपको लगता है कि बहुत सारी लड़कियां आपके जो कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई कर पाएंगी? डेफिनेटली मुझे ऐसे लगता है कि ऑल द कॉलेज गोइंग सिंपल स्मॉल टाउन गर्ल्स विल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद दिस कैरेक्टर. आई फील लाइक ऑल द मिडिल क्लास गर्ल्स, हाउ दे रिएक्ट, ऑल देयर रिएक्शंस, इट्स बेसिकली शी इज दैट काइंड ऑफ अ गर्ल. आपके लिए कितना जरूरी होता है अपने कैरेक्टर्स के साथ आइडेंटिफाई करना एक फिल्म में? ज़रूरी तो नहीं होता, इट्स नॉट अप टू अस, समटाइम्स यू हैव टू अडेप्ट टू सर्टन थिंग्स. एक्ट्रेस और एक्टर की यही तो खासियत है कि दे अडेप्ट टू कैरेक्टर्स, सो समटाइम्स दे आर लाइक यू और समटाइम्स दे आर नॉट लाइक यू. इस फिल्म में आप दो बहुत हैंडसम मेन के साथ हैं, तो ये अनुभव कैसा रहा है? मीन डू यू फील लाइक द सेंटर ऑफ अटेंशन एट ऑल टाइम्स? No, I am not that kind of feel the center of attention. That's not it. But मुझे तो बहुत अच्छा लगा working with them because I'm friendly with both of them. And रितिक के साथ मैं चार फिल्में कर चुकी हूँ. This is my fourth film with him. So I think that एक अच्छा सा relationship बन जाता है. So it becomes easier to perform. And Abhishek will always be special to me क्योंकि मैंने अपनी पहली फिल्म और करियर की शुरुआत, पहला shot, first time ever that I have acted, उन्हीं के साथ शुरू किया था. तो आई थिंक इट विल बी वेरी स्पेशल. बेसिकली अ गर्ल फॉर कॉलेज गोइंग यंग गर्ल जो है, हाउ शी इज, आई मीन नॉट एट ऑल अ सिंपल मिडिल क्लास गर्ल, सो हैप्पी इन हर लाइफ आफ्टर कॉलेज. उनकी पेरेंट्स की यही ड्रीम होती है कि उनकी शादी हो जाए, बस अच्छी फैमिली में शादी हो जाए. एज अ नॉर्मल मिडिल क्लास गर्ल फैमिली, मदर एंड फादर वुड थिंक, एंड हाउ शी फॉल्स इन लव एंड उसके बाद वॉट प्लाइट शी गोज थ्रू फॉर्म्स द चैप्टर्स ऑफ द स्टोरी ऑफ दिस फिल्म. काफ़ी चर्चा हुई है कि ये भजातिया फिल्म्स की पहली फिल्म्स की तरह नहीं है, मतलब काफ़ी कुछ अलग किया है. पहली बार आई थिंक आउट ऑफ इंडिया भी गए हैं, तो ये नई लुक के लिए आपको चुना गया है, नई स्टाइल ऑफ राजश्री फिल्म्स, तो आपको कैसा लग रहा है, मतलब और बदलाव कैसे हुए हैं राजश्री की पहली फिल्म से? वेल आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड के पहली बार जब सूरज जी कुछ अलग करने जा रहे हैं उन्होंने मुझे चुना है, तो आई फील वेरी वेरी ऑनर्ड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे आर डूइंग दिस दे हैव चोजन मी. एंड यस इट इज़ बहुत ही अलग टाइप का है क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम इट्स वेरी यूथफुल, यंग, एनर्जेटिक एंड अ लिटिल मॉडर्न ऑल्सो. पहली बार है जब दे हैव गॉन टू न्यूजीलैंड फॉर शूटिंग एंड मॉरिशियस, सो आई थिंक आई फील रियली रियली ऑनर्ड एंड आई जस्ट लव सूरज जी, सो आई कैन गो ऑन टॉकिंग अबाउट हिम. आपकी बहन का कितना इन्फ्लुएंस रहा है इन यू डिसाइडिंग योर स्क्रिप्ट्स और गेटिंग इनटू दिस लाइन? वेल नॉट इन्फ्लुएंस ऑन गेटिंग इनटू दिस लाइन क्योंकि बचपन से ही मुझे यही फिल्मों का शौक था. इट्स ऑलवेज बिन फिल्म्स 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 क्योंकि आई हैव बीन बॉर्न इन अ फिल्म फैमिली एंड मेरे पेरेंट्स जो है थे दे वर लाइक फिल्म एक्टर्स, माई ग्रैंड फादर, देन my sister also I've seen through her 65 films, so I don't think I was left with much of a choice than to be an actress. ye bataiye ye aajkal ye pantaloons ka bhi ek naya jo trend hai ki merchandising ho film ke through, to aapko kya lagta hai ki does this work well for the film? Well I think it's bahut acha publicity hai. I think it's really really nice that Rajshri Productions has tied up with Pantaloons kyunki
एक खासियत ये है कि द ऑडियंस फील्स मोर क्लोज टू द स्टार्स, कि जो कपड़े ऋतिक रोशन और करीना कपूर ने पहने इवन वी कैन वेयर इट. सो इट्स नॉट दैट के दे आर अनरीचेबल. सो द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ द होल थिंग इज़ दैट वी गेट क्लोजर टू आर फैंस, विच आई फील इज सो इम्पॉर्टेंट दैट दे ऑल्सो फील दैट दे आर लाइक वन ऑफ अस. सो आई रियली रियली आई एम वेरी हैप्पी विद दिस थिंग एक्चुअली. जब आपका ये इवेंट हुआ था तो आई बिलीव इट वाज मॉब्ड लिटरली, सो मेनी पीपल, तो आप लोगों की पॉपुलैरिटी इतनी हाई है, तो हाउ डज दैट फील? आई मीन आप एक इवेंट पर जाते हैं और लोग आपको देखने के लिए मतलब रस्सियों से लोगों को पकड़ना पड़ता है, तो लगता कैसा है आपको? उस दिन तो आई वॉज वेरी शॉक्ड दैट वी डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट एक्चुअली, बट वेल आई लव इट. मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि आई फील दैट दे आर फैंस. इफ आई कुड हैव बीन वन ऑफ देम आउट देयर वांटिंग टू सी अ स्टार ऑल्सो, एंड आई थिंक दैट इट्स वंडरफुल एंड दे आर ह्यूमन बींग्स एंड इट्स नाइस, इट्स नाइस, इट्स अ गुड फीलिंग एंड दे डिडंट डू एनीथिंग रॉन्ग. आई फील बैड दैट दे डिडंट गेट मोर टू सी ऑफ अस. इफ आई हैड माय वे आई वुड हैव प्रोबेबली स्पेंड कपल ऑफ आवर्स मोर. लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि द इवेंट गेट्स लॉस्ट, यू नो, बिकॉज़ द स्टार्स आर सो बिग. इनवेरिएबली क्या होता है कि यू नो द इवेंट द कॉज ऑफ द थिंग जो है, यू क्या भी अग्री करता है आपका क्या है आपकी क्या है. Then why call stars? Why do this? So no, I don't think so. I feel that it doesn't. We've been called for that. We've been called for a particular cause, but ab kya hua ki they have got so excited. So it's good. Acha hai ki cause ke liye bhi acha hai, film ke liye bhi acha hai, stars ke liye bhi acha hai. Kya aap kahenge ki Sanjana has been like the maturation of your role so far? Matlab all these times you've been in different roles. Taken up, you know, you're playing this very different character, or is it the culmination of a lot of things? It's definitely बाकी रोल से बाकी what the audience has got to see of Kareena has always been very brattish, has got to be always very unreachable, something that's always been like, you know, like she's always been very dramatically presented, be it in Kabhi Khushi Kabhi Gham or Ashoka. So apart from Refugee and Mujhe Kuch Kehna Hai, which was very simple, so this has a nice blend of being simple and innocent, and like I said, it will be more identifiable. Aisa zindagi mein bhi aise koi ghatna hui hai jab log aapke deewane hain ya aap do ladkon ke saath ek saath dikhe? Ji nahi, bilkul nahi. Sirf filmon mein aur on screen mein main ye sab chahti hu. Main I don't want anything else in my life. God has given me too much. All I want is my fans and my audiences should flock to theaters to see me with two boys, and I'm very very happy. And main Prem ki Diwani hoon for now. That's it. पहली बार जब आपने मैं प्रेम की दीवानी की स्क्रिप्ट देखी तो आपका रिएक्शन क्या था और आप कैसे अपनी स्क्रिप्ट्स चूज करती हैं, क्या क्राइटेरिया होता है? वेल, इस फिल्म में क्राइटेरिया तो था ये कि सूरज बजातिया के साथ मिल काम करने का चांस मिल रहा है, एंड विच गर्ल किस आई मीन गर्ल्स एंड एक्ट्रेसेस की तो ड्रीम होती है, वो लोग तो स्ट्रगल करते हैं 5-10 साल काम करने के बाद मौका मिलता है, बट आई जस्ट गॉट इट आफ्टर 3 years. सो दैट वॉज द मेन थिंग. बट ऑल्सो द स्क्रिप्ट इज़ वेरी वेरी डिफरेंट, इट्स वेरी डिफरेंट फॉर द राजश्री, इज़ वेरी डिफरेंट फॉर मी, एंड द रोल वॉज अ कम्प्लीट हिंदी फिल्म हीरोइन role, so I'm very lucky. In about 3 years, Kareena, खुद को कहाँ देखती हैं? 3 years from now, I don't know anything that what the future has, what destiny has, what God has in store. No one really knows, so I don't want to say anything. बस अभी के लिए आई एम जस्ट वेरी हैप्पी एंड भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि इतने कम समय में, इतने कम उम्र में मुझे इतना सब कुछ दिया है. My last question: What is the best thing about being Kareena? That's not a question, because it's not a best thing at all. I'm just human, I'm simple, I'm just like everyone else out there. I'm a normal girl, in fact I'm just 22. I could have been in college with all those youngsters out there, sitting with them writing on the desks or painting on the walls, which I missed out on, and I really missed that. So I'm just like one of those guys out there. I'm just a normal college going girl who instead of college is sitting in studios and makeup rooms, but I love it. Wish you all the best, Kareena. Thank you.